भारत आज से कोविड 19 टीकों का निर्यात शुरू कर रहा है। इसके साथ ही मध्य और निम्न आय वाले देशों के लिए टीकों की आपूर्ति का रास्ता खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि दुनिया के देशों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भारत को बड़े सम्मान से देखा जाता है। देश भर में 6,31,000 लाभार्थियों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मात्र 0.18% लोगों पर टीके का प्रतिकूल असर देखा गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि विशेषज्ञों को देश छोड़कर जाने से रोकने के उपाय करने को कहा है। साथ ही शिक्षित नौजवानों से कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने का किया आग्रह। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में कहा कि सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें 12 बैठकें होंगी। सरकार ने व्हाट्सएप कंपनी से कहा है कि वे अपनी प्राइवेसी नीति में हाल में किए गए बदलाव को वापस लें। सरकार ने यह भी कहा है कि एक तरफा बदलाव अनुचित और अस्वीकार। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पटना के रेल आईजी एमआर नायक को महानिरीक्षक यातायात की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नवादा में जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय मेला के दौरान किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए। पश्चिम चंपारण के सेंट्रल बैंक की अहवर शाखा से सशस्त्र अपराधियों ने 5,00,000 रुपए लूट लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड के साथ 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले 2 मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान विराट कोहली टीम में हुए वापस। अंत में मुख्य समाचार।